हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे, हम अब तक कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई से लिखते हैं इसको, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो अगर हम इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दें, सपोज कर लो हमने एक डाइपोल लिया, दिस इज अवर डाइपोल, and name it as anything, any name you given to it, तो नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, तो डाइपोल है, एक प्लस चार्ज होगा यहाँ पर प्लस Q, एक नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल का डिस्टेंस हमने पढ़ा था कितना लेना है, 2a, okay, consider a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कंसीडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जो डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई के बीच में प्लेस्ड पड़ा है। तो हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टू फोर्सेस काम करेंगे, कौन सी फोर्सेस होंगी, वो एक फोर्स होगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इस पे फोर्स लगेगी इधर, तो फोर्स की वैल्यू है मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज एफ इजिकल टू क्यू, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो आप अगर आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी पिछली, तो आप प्लीज़ वीडियोस को चेक कर लें, देख लें, हुआ मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसके ऊपर हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, क्यू इंटू ई। तो फोर्स कितनी लग रही है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लग रही है क्यू ई, पॉजिटिव अट्रैक्शन उसकी इधर, तो ये चार्ज नेगेटिव है, फोर्स इसके ऑपोजिट 180 के बीच में, तो ये लगेगी माइनस क्यू, अट्रैक्शन उसकी इधर। अब अगर एक पॉइंट पे टू फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर लग रही है दूसरी इधर लग रही है, तो देर इज ए कपल। तो अगर एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही थी, जैसे हम साइकिल का हैंडल होता है, तो हैंडल पे एक फोर्स हम इधर लगाते हैं, दूसरी फोर्स इधर लगते हैं, तो अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू फोर्सेस लग रही हैं ऑन द सेम लाइफ ऑफ एक्शन, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कपल, तो कपल से वो रोटेशन बन जाती है, तो वो घूमने लग जाती है। इफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन, देन डाइपोल्स बिकम्स रोटेट्स, वो रोटेट करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। अगर वो घूमने लग जाएगा तो घूमने को के कारण एक रोटेशनल फोर्स बनती है, तो उस रोटेशनल फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है, टॉर्क, उसे हम कहते हैं टॉर्क। तो अगर ये घूमेगा तो क्या होता है, हमारे पास फोर्स लगेगी, फोर्स लग रही क्यू इन टू ई, ये डायरेक्शन को लग रही है, तो इस फोर्स के कारण टॉर्क डिवेल्प ड्यू टू द टॉर्क वेल्व ड्यू टू द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो उस पर वो क्या हो जाएगा, कपल प्रोड्यूस हो जाएगी और टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क हम टॉर्क वैसे टॉस लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स
into perpendicular distance. Either force into perpendicular distance. Either force तो हमें पता है, that is equal to QE. What is the value of that perpendicular distance? Perpendicular distance is this. This is a perpendicular distance. Name it as, let कर लो N. तो BN क्या है हमारा perpendicular distance? और हम एक line और लिख लेते हैं यहाँ पर. Let theta be the angle between electric field and dipole. हमने लेट कर लिया, यहाँ पर एक एंगल थीटा बन रहा है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है ऐसे, और ये एंगल बन रहा है हमारा डाइपोल है, ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बी हमने नाम दिया, इसको ए दिए, इसको एन. तो हमें मालूम है हमें बी एन चाहिए, तो हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है, 2a. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse equal to sine theta. तो perpendicular की वैल्यू चाहिए, मतलब BN की वैल्यू चाहिए. H की वैल्यू क्या है? 2a. तो ये हो जाएगा 2a sine theta. तो हम ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे. तो perpendicular distance आ गया हमारे पास BN. BN तो BN की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2a sine theta. तो is equal to 2a Q E साइन थीटा. ओके, तो हमें मालूम है दिस ना नेम ऑफ दिस क्वांटिटी, डिस्टेंस इनटू चार्ज, 2a इनटू q, हमने उसका नाम दिया हुआ है, एंड नेम ऑफ दैट क्वांटिटी इज डाइपोल मोमेंट P E साइन थीटा. अब हम जानते हैं ये जो साइन थीटा साथ लगा हुआ है, ये क्या है? ये एक के साथ प्रोडक्ट बना रहा है. हमने वो प्रोडक्ट पढ़ी हुई है, वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? तो हम इसको वेक्टर में लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. बिकॉज इफ पी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पी क्रॉस ई को, तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा. तो दिस इज अवर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल. अब इसमें स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं? स्पेशल केसेस, पहला केस हो सकता है इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री. मीन्स जो हमारा डाइपोल है वो ऐसे पड़ा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे हो और हमारे डाइपोल की डायरेक्शन भी ऐसे हो, तो एंगल में कितना है? इतना है जीरो. अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो ये डाइपोल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो दोनों एक डायरेक्शन में है. थीटा अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क कितनी होगी? पी ई साइन ऑफ एंगल कितना? जीरो. तो साइन जीरो इज जीरो, टॉर्क इज जीरो. And this is also known as the stable equilibrium. Stable equilibrium condition. Second case में क्या करते हैं? ये पहला केस था. Second case में if theta अगर 90 हो जाए, इसका means हमारा जो dipole है वो ऐसे था पहले, अब 0 degree पर अब 90 हो गया. Electric field के साथ angle कितना बना रहा है? 90 degree. अगर एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो थीटा को 90 पुट करेंगे तो टो आ जाएगी हमारे पास पी ई साइन 90. साइन 90 इज 1, देन इट कम्स पी ई एंड दैट इज टो मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी पी ई ऑलवेज ऑन द, जब हमारा डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पड़ा हो. तो हम किसी भी दो एक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर खड़ा करते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी और उसकी मैग्नीट्यूड होगा P into E. Next third point में अगर theta 180 हो जाए, 180 का means electric field like this, electric field example ले लेते हैं हम, electric field ऐसे लग रही है. Okay, तो ये जो dipole, ये जो इसका ये पहला इधर point था, इधर direction है इसकी, अब ये घूम के ऐसे हो गया 180, यहाँ से ऐसे. तो 180 पे अगर मतलब डाइपोल चले जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर, डाइपोल हमारा इधर मूव करके बैठा है, कहीं भी मूव हो सकता है उसका. तो हमने टॉ इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी पी ई साइन 180. तो करते रहो पुट,
तो साइन 180 की वैल्यू फिर जीरो हो जाती है, गुम घुमा के फिर जीरो आ गए, कोई बात नहीं, तो टॉर्क हो गई जीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर डाइपोल ऐसे और ऐसे बड़ा हो तो टॉर्क उस पर क्या होती है, जीरो होती है। तो दिस इज द स्टूडेंट्स विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में हमने आज पढ़ा टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है। तो ये हमारे स्पेशल केसेस थे, इसमें एग्जाम में छोटे छोटे इसमें से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से लिख के दो तीन बार देखें और नोट कर लें इसको, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके न्यूमेरिकल ही आगे कराएंगे। तब तक आप लगे रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, तो इसको नोट करते रहें। आगे हम एक और क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो आप पहले इसको समझ लें। ओके, तो हम एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं आगे, तो मैं रब करने जा रहा हूँ। क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये स्टूडेंट्स आपके लिए पहला बार शब्द होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा। फ्लक्स बहुत यूज होगा आगे जो चैप्टर्स आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें ही फ्लक्स यूज होगा। तो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स के बारे में आपको बताया था, तो कितनी लाइंस, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज के द्वारा आने वाले फील्ड है, तो उस फील्ड में से लाइंस निकल रही हैं। तो अब वो कितनी लाइंस कितने एरिया में से पास करती हैं, तो नया वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द number of electric lines passing through a unit area, एक unit area में कितनी electric lines pass करती हैं उसे हम लिखते हैं electric flux का हमने उसको physics में नाम दिया हुआ है, तो इसे हम denote करते हैं phi से, it is denoted by फाइव, फाइव का साइन ऐसे डाल लीजिए फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, और किस एरिया में पास करेगी इनटू, लेट कर लो वो छोटा सा एरिया, लेट कर लो ये एरिया इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है ऐसे, तो इस एरिया को हमने डी एस कह दिया, तो ई इंटू डी एस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी इसका मतलब क्या होता है, आगे इसकी प्रोडक्ट कौन सी होती है और इसके आगे यूजेस क्या हैं, फ्लक्स को आगे गॉस ने कैसे अप्लाई किया अपनी एप्लीकेशंस या अपने जो गॉसेस की थ्योरम्स थी उसमें कैसे उसने अप्लाई किया और अपना कैसे उसने योगदान दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो फिलहाल आज हम इतना स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।